हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम टू द सीरीज, फोर्थ वीडियो सीरीज ऑफ दिस घटना चक्र. ओके, मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस हो रहा है. इससे पहले तक 3 वीडियो पब्लिश हो चुके हैं और 150 क्वेश्चंस का हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है. ओके, सो इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी एग्जामिनेशन. ओके, तो बिना डिले किए चलिए शुरू करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151. तो लॉन्ग इयर्स एगो वी मेड ए ट्रस्टी विद डेस्टिनी एंड हाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लीज. दिस वाज स्टेटेड ऑन द नाइट ऑफ 14th August 1947 बाय. ये किनके द्वारा ये बोला गया था ये सेंटेंस? ठीक है, तो ये सेंटेंस बोला गया है जवाहरलाल नेहरू द्वारा. ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152. द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज पास्ड ए फेमस रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन इन 1920 एट द सेशन हेल्ड एट. तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई थी, कहाँ की अधिवेशन में, कहाँ की सेशन में नॉन कॉपरेशन जो की पास किया गया. ठीक है, ये रेजोल्यूशन पास किया गया, तो ये कहाँ किया था? कोलकाता में किया गया था 1920 में. कोलकाता का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसमें ये पास किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए. चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन देखते हैं. हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस क्वेश्चन, दैट इज दादाभाई नेहरू जी. तो ऑप्शन फर्स्ट जो इसका सही है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 154. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट useful and outstanding reforms made by Lord Curzon and especially in respect to the people living in the undivided province of Punjab. तो Lord Curzon द्वारा कौन सा सबसे ऐतिहासिक और सबसे outstanding जो था reforms किया गया था वो कौन सा है? ऑप्शन देखिए, 154. educational reform, police reform, industrial, agricultural reforms. तो इसका ऑप्शन है 4, agricultural reforms. ओके, सो दिस इज द 4 ऑप्शन, ये सही है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 155. डायरेक्टली वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ कौन सा एक्ट में? 1909 का, 1919, 1935 और नॉन ऑफ द एबव. तो 155 ये कौन सा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 155 है, 1990, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919. ओके, दिस इज द ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. चलिए अगला क्वेश्चन है, Now 156, the transfer of government from company to crown. ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रांसफर हुआ, कंपनी का ट्रांसफर जो पावर का उनके क्राउन तक हुआ, तो वॉज प्रोनाउंस्ड बाई द लॉर्ड कैनिंग नवंबर 1, 1858 में. एट कहाँ पर वो अनाउंस किया गया था? ये लॉर्ड जो गवर्नर थे कहाँ अनाउंस किए थे? वो इलाहाबाद में किया गया था. ठीक है, 156 में वो इलाहाबाद से अनाउंस किया गया था. ओके, By Governor Lord Canning, 1858 में 1 नवंबर. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्राउन का ट्रांसफर हुआ, मतलब कंपनी का पावर का कंपनी से उसके पावर चले गए किसके? वो डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय क्राउन, मींस ब्रिटिश अंपायर के पास. तो वो जब लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंसमेंट किया था, वो उस समय कहाँ थे? इलाहाबाद में थे. ओके, सो 156, दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 157. 157 क्वेश्चन बोलता है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग केम क्लोजर टू ईच अदर इन 1916 एट. कहां पर ये? लखनऊ सेशन में मिले थे. ओके, 157 ऑप्शन 3. तो मुस्लिम लीग एंड और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये 1916 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो लखनऊ में हुआ था वहां पे ये ज्वाइन हुए थे. और इनका सेपरेशन कब हुआ था? 1906 में हुआ था. ओके, सूरत सेशन में. तो 10 साल के बाद वो फिर ज्वाइन होते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. ये किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? गवर्नर, दैट इज कॉर्नवालिस, ऑप्शन 4. 158 का ऑप्शन 4, कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट जो रिवेन्यू सिस्टम है जो बंगाल में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था वो किनके द्वारा किया गया था? गवर्नर कॉर्नवालिस. Okay, now next question, 159. Who pronounced the theory of economic train of India? ये जो theory economic train of India during British Empire के समय imperialism के में किनका ये theory दिया गया था? ये दादा भाई नेहरू जी का theory है. Okay, option 2 correct है, दादा भाई नेहरू जी.
Next question 116. Which is the oldest trade union organization in India? इनमें से कौन सा सबसे पुराना सबसे पुराना ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में? सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके आप इसका नोट डाउन कर लीजिए. तो फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेकंड है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ठीक है, नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एंड नेक्स्ट है भारतीय मजदूर संघ. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये सबसे पुराना है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. सर्वोदय स्टैंड्स फॉर, सर्वोदय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल. ओके, तो ऑप्शन 3 इसका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वाज गांधी जी बीटन अप एंड थ्रोन ऑफ द पेवमेंट बाय द व्हाइट पीपल? कहां पर ये जोहान्सबर्ग में, ठीक है. तो ऑप्शन 3 है, ये करेक्ट है. Now next question. Now next question. Who attended the Congress of Oppressed Nationalists at Brussels in 1927 on behalf of National Congress? तो ये session में किन्होंने participate, किसने participate किया था for the National Congress के behalf में? तो that was Jawaharlal Nehru. तो option first जो है ये सही है. Okay. अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू इंटर इन इंडियन सिविल सर्विसेज थ्रू एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? तो ये किनके थ्रू हुआ था पॉसिबल, कौन सा गवर्नर जो थे उस समय इंडिया में? तो इट्स डलहौजी. ओके, ऑप्शन 2 जो है वो सही है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस गवर्नर एक्चुअली अलाउ द इंडियन टू कंडक्ट इंडियन, जहाँ की इंडियन सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियन को भी अलाउ किया गया. सो दिस डलहौजी हैज अ ग्रेट रोल इन दिस एक्चुअली. सो दैट इज द ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. तो 65, इन विच ईयर लाला लाजपत राय वाज डिपोर्टेड टू मंडलिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एग्रीगेरियन मूवमेंट इन पंजाब? कौन से ईयर में उनको लिया गया था कस्टडी में? 165. सो इसका ये कब हुआ था, ये 1907 की स्टोरी, ठीक है, 1907. तो ऑप्शन 2 इसका सही है. चलिए अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल हैड इंटरटेन रंजीत सिंह विद अ ग्रेट ऑनर एट रोपर? तो कौन सा गवर्नर, कौन गवर्नर रंजीत सिंह को इंटरटेन किया था, उनका वेलकम किया था रोपर में? तो विलियम बेंटिक. ओके, ऑप्शन 2 जो है वो सही है. नाउ नेक्स्ट है, द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाई, आर्य समाज फाउंडेड बाई स्वामी दयानंद सरस्वती. ओके, ऑप्शन 1. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्वेश्चन नंबर 168 है. मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टार्टेड ए उर्दू वीकली एंड ऑल अल हिलाल इन 1912, बट ऑन इट्स बीइंग बैंड बाय द गवर्नमेंट ही फाउंडेड अल बलग इन कौन से ईयर में? ये फाउंड किए 168 अल बलग, दैट इज 1915 में. ओके, सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. तो करेक्ट आंसर इज 1915. Now, अगला क्वेश्चन है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास, ये तीन जगह पे एक साथ हाई कोर्ट की एस्टैब्लिश हुई थी, और वो कौन सा ईयर में हुआ था? वो 1861 में हुआ था, राइट, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ अगला क्वेश्चन है, नाउ हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन थे? एनी बेसेंट. ओके, ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर है. एनी बेसेंट जो थी फर्स्ट INC की वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी. ओके, नाउ 171, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स मूवमेंट वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन 19th century? 19th century में पहला रिफॉर्म मूवमेंट कौन सा स्टार्ट हुआ था? वो कौन सा है? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन. तो 171 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये था ब्रह्म समाज हुआ था, ठीक है. ऑप्शन 2 जो है वो सही है, इनमें से सबसे पहले ये हुआ था, ठीक है, 1917 का पहला movement reforms. Next, 172, who was the president of Indian National Congress when the Mountbatten plan was, the Mountbatten plan of independence was accepted? उस समय कौन थे Indian National Congress जब हुआ था उसके INC के president कौन थे? तो that is a very important question. 172, तो उस समय आचार्य JB Kriplani, ठीक है, independent India के ये भी पहले Indian National Congress के president हैं. Okay, तो option 4 जो है वो सही है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 173,
तो हु डेवलप्ड द आइडिया दैट मींस मींस जस्टिफाई द इंड्स, ये किनका आइडिया है? ये महात्मा गांधी जी का आइडिया है. ओके, ऑप्शन फोर जो है वो सही है. वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट से रिलेटेड है महात्मा गांधी. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. 170 पर, हु सेड दैट द रियल सीट ऑफ टेस्ट, द रियल सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड, ये किन्होंने कहा था? ये भी महात्मा गांधी का है. ओके, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी ने बोला. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. 175, द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ, कौन सा एक्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो था ये फीचर था, कौन सा एक्ट का? ठीक है, 175, तो ये 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का यूनिक फीचर्स था. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन. नाउ अगला क्वेश्चन है, नाउ हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1850, जब रिवोल्ट 1857 का सिपोही रिवोल्ट हुआ था उस समय गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? वो थे लॉर्ड कैनिंग. ओके, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो सही है. तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगर आपका स्टूडेंट्स नोट चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यहाँ पे. तो जो भी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन चला जाएगा. ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड, हु सेड नन विल बिलीव दैट ए मैन लाइक दिस इन द बॉडी एंड सोल एवर वॉक्ड ऑन दिस अर्थ, ये किनका सेंटेंस था, मतलब ये किन्होंने कहा था? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन. ओके, ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर. Now next question, 178. Now in violation of salt law, Gandhi ji started a movement called, वो violation salt law का violation से कौन सा movement को उन्होंने start किया था? That is civil disobedience movement. ठीक है, 178, three option जो है three सही है. Now अगला question है, the cabinet mission came to India, in cabinet mission India में कब आई थी? Now it's a very important question, 1946 में आया था. Okay. ऑप्शन फोर जो है वो सही है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. द फर्स्ट टू कम एंड द लास्ट टू लिव इन इंडिया वेयर, इनमें से पहले कौन आए और लास्ट में गए वो कौन थे? दैट इज पुर्तगाल्स. ओके, पुर्तगीज थे. ऑप्शन वन जो है वो सही है. नाउ नेक्स्ट, 181, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद अहमद खान एंड अबुल कलाम आजाद. तो 181 इट्स बदरुद्दीन तैयब जी. ओके, तो ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ना अगला क्वेश्चन है, ना क्वेश्चन नंबर 182, द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम, मतलब जब रिवोल्ट हुआ 1857 तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? वो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर ट्रांसफर हुआ टू ब्रिटिश क्राउन के हाथ में वो कंट्रोल में चला गया. ओके, तो वन जो है वो सही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इशू ऑन विच द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वाज लॉन्च्ड वाज, किस कारण सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था? ठीक है, 1930 में. तो इसका मेन रीजन था द साल्ट मोनोपोली एक्सरसाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साल्ट का एक मोनोपोली बना लिया था और दैट इज द रीजन ये कि सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया महात्मा गांधी जी द्वारा. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. 184, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? 184, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज सी राजगोपालाचार्य. लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. 185, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल बियर्स द डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ गांधीज मोरल फिलोसफी, कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? दैट इज प्रोविजन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज, दिस ऑप्शन थ्री, प्रोविजन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हुआ था, तो इंडिया के तरफ से कौन रिप्रेजेंट किया था? दैट इज ऑप्शन वन, सरोजिनी नायडू. ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ऑप्शन वन जो है इस क्वेश्चन का सही है. चलिए अगला क्वेश्चन है. 187, हु डिक्लेयर्ड एज हिज अल्टीमेट एम द वीपिंग ऑफ एवरी टीयर्स फ्रॉम द एवरी आईज, ये किनका सेंटेंस है? ये जवाहरलाल नेहरू जी का है.
यंग होने बोला था 187. सॉरी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू गांधी जी. ठीक है, दिस स्टेटमेंट वॉज गिवेन बाई महात्मा गांधी. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. नाउ अगला क्वेश्चन है, नाउ क्वेश्चन नंबर 188. इन इंड्स एंड मीन्स रिलेशनशिप गांधी जी बिलीव्ड, इस से गांधी जी का क्या बिलीव था? तो इसका करेक्ट आंसर है मीन्स डिटरमाइन द इंड्स. ओके, ऑप्शन थ्री जो है ये सही है 188 का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट विक्ट्री एंड गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज, द फर्स्ट विक्ट्री नहीं होना चाहिए यहाँ पे, वायसराय होना चाहिए, एंड गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज 189 का करेक्ट आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग. दिस ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट आंसर है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स केम अप टू ओपन एट द सूरत कांग्रेस सेशन इन द ईयर, कौन सा ईयर में दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में सेपरेशन हुआ था? ये 1906 में हुआ था, 1907 में हुआ था सूरत सेशन में. ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. भुलाभाई देसाई मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट वाज इज डिफेंस ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी INA पर्सनल एट द रेड फोर्ट ट्रायल टुवर्ड्स द एंड ऑफ कौन से ईयर में? That is 191. Question, very important question, 1945 में. Okay, so option 3 जो है इसका correct होगा. Now next 192. The first viceroy of Portuguese in East was, तो viceroy जो थे first viceroy Portuguese के first viceroy कौन थे? That is question number 192 है. ये बहुत important question है. This Almeida. Okay, Francisco de Almeida. ये Portuguese के first viceroy थे East में, जो इंडिया में आए थे. तो ऑप्शन थ्री जो है करेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलिए नाउ व्हेन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 193. व्हेन वाज द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंड, ये ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस कब स्थापना की गई, कब फाउंड आउट हुआ उसका 193 का? तो ये वो 1927 में हुआ था. ठीक है, ऑप्शन चार सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कुका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड ऑफ 19th century इन, कहाँ पे हुआ था? वेस्टर्न पंजाब में. का जो मूवमेंट हुआ था ये वेस्टर्न पंजाब में स्टार्ट हुआ था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ क्वेश्चन 195. महात्मा गांधीज रिमार्क ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ, किनके बारे में ये सेंटेंस कहे थे महात्मा गांधी जी ने? वो कहे थे क्रिप्स मिशन के बारे में. ओके, ऑप्शन टू जो है वो करेक्ट है, क्रिप्स मिशन याद रखिएगा, ये पोस्ट डेटेड चेक है. चलिए 196 है. अंडर हुज लीडरशिप वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1934, सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके लीडरशिप में हुआ था? दैट इज क्वेश्चन नंबर 196, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण ने किया था उसके स्थापना. ऑप्शन टू जो है वो सही है. ना अगला क्वेश्चन देखते हैं उसका. विच 197, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा इनमें से इन मैच जो है इनकरेक्टली है? तो कोलंबस 1492 सही है, वास्को डगामा 1498 ये भी सही है, मैगिलियन 1500 बलबाव 1530 नहीं ये गलत है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 जो सही है. चलिए अगला क्वेश्चन है 198. व्हेन डिड द ब्रिटिश मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया, तो उन्होंने कब बनाया था? ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा है 198, दैट इज 1835 में किया था वो. इंग्लिश को उन्होंने मोड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया में सेट किया था, मतलब डिक्लेयर किया था 1835 में. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 199. ड्यूरिंग हुज वायसरायशिप डिड हाई कोर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द थ्री प्रेसिडेंसीज सिटीज, ठीक है, कलकत्ता मद्रास बॉम्बे में. तो जब ये हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी इसमें 1861 के राउंड, तो उसमें कौन वायसराय, इंडिया के वायसराय कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 119 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, जॉन लॉरेंस ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है. ठीक है, 199 ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर है. इसको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको कहीं पे आप लोग. चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200. हु वाज पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब, किसे नाना साहेब बोला जाता है? तो ऑप्शन है बालाजी बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, देन सो या करेक्ट आंसर इज बालाजी बाजीराव. ओके, ऑप्शन टू जो है वो करेक्ट है. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलिए ये हुआ. ठीक है, तो होप आपको अच्छा लगा होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आएगा कुछ दिनों में, तो फिर वो वीडियो
फिफ्थ पार्ट रहेगी. तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, फाइंड गुड वैल्यू आउट ऑफ दिस क्वेश्चन, आउट ऑफ दिस सीरीज. सो कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स. सो अगर आपको वीडियो इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए और आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ वंडरफुल डे अहेड. थैंक्स अ लॉट.